बैल्कनीस में यहीं पर हूँ, तुम्हें रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रुकूंगी। नवीन आंटी कॉल कर रही है, बात कर लो। बात करती हूँ। ठीक है। हेलो जी, नवीन आंटी कहिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ डेनिस, बेटा एज़की कहाँ है, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। एज़की? हाँ एज़की असगर के साथ बाहर गई है। या खुदा, मेरी इस लड़की से आखिर बात क्यों नहीं हो पा रही है, मेरी कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रही। हाँ बेटा, एक बात करनी थी मुझे तुमसे। तुम्हारे उनाल अंकल का पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा, ना गाड़ी में है ना घर में है। मुझे लग रहा है कि हम वो रेस्टोरेंट में भूल गए हैं, देखकर बता सकती हो हमें? ठीक है आप परेशान मत हो, मुझे जैसे ही दिखती है मैं बता दूंगी उसे। हाँ तो पुलिस स्टेशन में आने का एक तो फायदा हुआ कम से कम। आंटी, आंटी, आंटी है कॉल पर। हेलो डेनिस, डेनिस ये पुलिस ऑफिसर्स ने चाय दी है मुझे और उन्होंने कहा है कि ये कैदियों को दे दे, तो हमें ये इसकी को देनी होगी। जासू, जासू की आवाज है ये तो। हेलो क्या कह रही है, किसके बारे में बात हो रही है आखिर, मुझे बताओ कौन सा स्टेशन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ तुम, आखिर ये सब क्या चल रहा है, बताओ मुझे। ओके नवीन, नवीन आंटी परेशानी की कोई बात नहीं है। डेनिस कैसे परेशान ना हूँ मैं, हाँ आखिर हो क्या रहा है, बताओ मुझे जल्दी से। अरे उनाल मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। दरअसल एक छोटी सी गलतफहमी हो गई, परेशानी की कोई बात नहीं है, अब थोड़ा पुरसकून होकर मेरी बात सुनिए। आप सुन रही हैं? हेलो नवीन आंटी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। फोन रख दिया। हेलो क्या कर रहे हो यहाँ, चलो बाहर निकलो। बैठा था। निकलो बाहर। ठीक है। इंसान बैठ भी नहीं सकता क्या? कितना है? ज्यादा नहीं है, फिकर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो नवीन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं जानती हूँ आपको फिकर हो रही होगी कि मैं सही सलामत पहुंची या नहीं। मैं ठीक से पहुंच गई हूँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं बस थोड़ी देर पहले ही पहुंची हूँ, आप तो जानती हैं कितना लंबा सफर है। ये तो अच्छी बात है सीमा साहिबा। इस वक्त मैंने आपको इसलिए कॉल नहीं की कि आप मुझे अपने ट्रिप के बारे में बताएं। मैंने इसलिए कॉल की कि मेरी बेटी आपके भतीजे की वजह से जेल में है। एक मिनट, मैं ठीक से कुछ समझ नहीं पाई, बात क्या है? आपके भतीजे तोलगा ने, या पता नहीं जो भी उसका नाम है, उसकी वजह से मेरी बेटी जेल में है और असगर भी एज़की को बचाने की वजह से उसके साथ जेल में बंद है। अरे एक मिनट रुके, आप क्या बात कर रही हैं? वो जेल में है तो वहाँ क्या खाएगा पिएगा? या खुदाया, वहाँ तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता, वो तो कमजोर हो जाएगा। या खुदा सीमा साहिबा, इस वक्त आपको अपने बेटे के खाने की पड़ी है? फिक्र ना करें आप, कुछ नहीं होगा, हट्टा कट्टा बेटा है आपका, खाना नहीं भी खाएगा तो कुछ नहीं होगा उसे। मसला तो मेरी बेटी का है, वो बहुत नाजुक है। अरे नवीन साहिबा देखें, आपकी बेटी तो एक कॉकरोच की तरह है, थोड़ा सा खाएगी तो पेट भर जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ क्या मतलब आपका, मेरी बेटी कॉकरोच है? होश में तो है, जानती है क्या कह रही है मेरी बेटी के बारे में। तो क्या करती मैं, आपने भी तो मेरे बेटे को हट्टा कट्टा कहा था ना, तो फिर मुझे भी ये सब कहना पड़ा। क्या कह रही है? मुझे ये, जल्दी। ठीक है हेलो, सोती नहीं है क्या ये औरतें? बहुत खतरनाक है ये, मैं जानती हूँ। तो हम कौन हैं? वैसे हम भी हैं। उनसे भी ज्यादा खतरनाक? सबसे ज्यादा खतरनाक शरीक के जुर्म है। चलो सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ऐसा करो तुम सो जाओ, लेट जाओ, मैं तुम्हारा गार्ड हूँ। ये जगह बहुत खतरनाक है। क्या वाकई लगता है तुम्हें? ओहो सो जाओ। वाकई? पारम्प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 म